सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक जगह पे जिसका नाम है विकताम पहाड़। और हम गढ़वा से वापस लौट रहे थे तो हमें कुछ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दी, तो हमने सोचा क्यों ना उन पहाड़ियों का मुआयना किया जाए। सो गाइस, एक रोमांचक सफ़र पे चलते हैं। सो गाइस, जो ये प्लेस है ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से 5 किलोमीटर पहले पड़ता है, और यहाँ पे हमने एक सर्विस रोड ली। और ये जो रोड आपको दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के थ्रू बनी हुई है, और ये पूरी वहाँ तक गई है जहाँ पे हमें जाना है। सो हम यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और ये जो सामने पुल दिख रहा है ये टूटा हुआ था, तो यहाँ पे हम रुक गए और चेक किया कि क्या यहाँ से हमारी गाड़ी वापस। सो गाइस, यहाँ पे हमने एक रेलवे क्रॉसिंग को अंडरपास किया, और इसके बाद हम थोड़े और नज़दीक पहुँच गए उन पहाड़ियों के, शायद आप देख सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे धान के खेत हैं जो कि अब फसल बिल्कुल तैयार है, और 10 से 15 दिनों में ये कट जाएंगे। सो रेलवे क्रॉसिंग के पास बहुत ही अच्छा नज़ारा था, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं काफ़ी अच्छी खेती करते हैं, और बहुत सारी फसलें मैंने देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो नज़ारा है बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की तरह लग रहा था, और मतलब जाने में इतना अच्छा लगा कि क्या बताया, मतलब एक बिल्कुल वर्थ था। सो अब देखिए पहाड़ियाँ नज़दीक आ रही हैं। सो गाइस, लेट्स गो। सो गाइस, कुछ दूर चलने के बाद हमने यहाँ पे रुकने का फ़ैसला किया, और यहाँ पे हम कुछ फ़ोटोज़ को कैप्चर किया हमने, और काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा था। लेकिन बट इस कैमरे से उतना अच्छा नहीं दिखा क्योंकि सनलाइट बिल्कुल सामने की तरफ से आ रही थी। और फिर हमने कंटिन्यू किया इसी रोड पे, सेम रोड पे। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक कुआं दिखा। सो ये कुआं उस तरीके का नहीं है जैसा कि आपने देखा होगा अपने गांव में पुराने तरीके का, ये बिल्कुल नया है और ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे यूजुअली पानी की बहुत कमी होती है, और सो इसलिए यहाँ पे कुआं बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो काफ़ी मॉडर्न कुआं था यहाँ पे, आप अंदर जाके भी आप वापस आ सकते हैं, और पानी भी काफ़ी साफ था। और ये मेरे ख्याल से 2 साल पहले का बना हुआ है, यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा था, तो मैंने यहाँ से उसे कैप्चर करने की कोशिश करी है। अब यहाँ से कुएं का हमने मुआयना कर लिया, अब इसके बाद हम वापस जा रहे हैं और मेन प्लेस पे अभी जाना बाकी है। सो गाइस, अब मैं विकताम पहाड़ पे चढ़ाई करने वाला हूँ, और बहुत ही छोटा सा ही था पहाड़। यूजुअली मुझे 2 मिनट लगा होगा इस पे चढ़ने में, थोड़े बहुत झाड़ियाँ थी बट काफ़ी क्लियर था, और मैं ऊपर आराम से चढ़ गया। भैया जी ने नीचे रहने का फ़ैसला किया क्योंकि वो ऊपर नहीं आना चाहते थे, तो अभी आपको दिखाई देंगे नीचे।
तो भाई अब मैं टॉप पे पहुंच चुका हूँ, वो सामने दिख रहे हैं भैया जी काफ़ी नीचे हैं। और ये देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है एकदम पहाड़ों का, ऑसम, बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की तरह लग रहा है ये। और बहुत ही मज़ा आया ऊपर जाके, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो भाई साहब अब हम लोग वापस जा रहे हैं, भैया जी हैवी ड्राइवर, काफ़ी फास्ट चला रहे हैं गाड़ी। और काफ़ी मज़ा आया, यहाँ पे हमने प्लान नहीं किया था घूमने का, लेकिन अचानक से हमारा प्लान बना और बहुत ही मज़ा आया और एकदम बिल्कुल वर्थ था। अब यहाँ से हम डायरेक्ट हम अपने घर की तरफ जाने वाले हैं और हमें पहुँचने में अभी भी 3 से 4 घंटे लगेंगे। सो गाइस गाइज, इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त होता है और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टेक केयर एंड बाय।